मैं शोभित रस्तोगी केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 आर के पुरम नई दिल्ली के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम परीक्षा के लिए परीक्षा हॉल में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर भूलने लगते हैं। इसके कारण मैं काफ़ी तनाव में होता हूँ। इस चीज़ के लिए आप मेरी मदद करें। आपने सही पूछा है, ज़्यादातर विद्यार्थियों में के ये पल आता ही आता है, जब बैठते हैं और जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो थोड़ा समय तो ऐसा जाता ही जाता है कि आप बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है, जितना आत्मविश्वास भरा हुआ होगा आप बहुत सरल, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके टीचर ने यह न समझाया हो कि भाई 10 सवालों का जवाब देना है, तुम्हारे पास 1.5 घंटा है, तो ऐसा करो सबसे सरल है उसको पहले से लेकर उसका जवाब दे दो ताकि कम समय में काम, ऐसा ही कहते हैं ना, ऐसा ही सिखाते हैं ना, 1, 2, 3, 4 कोई नहीं कहता है। छठे नंबर का सवाल ठीक लगता है तो पहले छठे का कर लो ताकि बाद में समय बच जाए। मैं भी आपसे कहूँगा कि हम एक बार सरल चीज को हाथ लगाएंगे तब तक आप एकदम से उसके साथ एकमस्ट हो जाते हैं, एकस्टम हो जाते हैं, तो आप बड़ी सरलता से चीजों को चलाते हैं। और इसलिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम को जिंदगी में बोझ कभी बनने मत देना। अगर ये कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको जो 2 मिनट शुरू में जाती है गड़बड़ कर जाती है। दूसरा, अगर फोकस एक्टिविटी है तो कठिनाई बहुत कम रहती है। कभी कभी क्या होता है, मन भटकने लगता है, फिर लगता है कि ये क्या कर रहा है, अच्छा उसने पहला सवाल उठाया, छोड़ो अगल बगल में कौन करता है, आपको क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 1 मिनट में आपके पास गाड़ी चलना लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।